मेरी शादी की मिठाई। ये क्या बन के आई हो, किसी अनपढ़ गवार से शादी की है क्या? लिमिट में रहो प्लीज। लिमिट में तो तुम जैसी लड़कियां रहती है, जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी खुद को लिमिट में ही रखती है। तुम्हारे यहाँ वो भवों को क्या बुलाते हैं, क्या था? बिंदनी। हाँ बिंदनी, तो पूनम बिंदनी जी, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि कॉलेज में ऐसे कपड़े नहीं पहन के आते? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इन कपड़ों से? प्रॉब्लम तो तुम जैसी सोच वाली लड़कियों से है हमें। अरे जब शादी करके चूल्हा चौखा ही संभालना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की है? जिंदगी तो तुम गवारो जैसी जी रही हो। अले अले गुस्सा आ रहा है। तुम्हें शादी करनी ही थी तो कम से कम किसी ऐसे घर में तो करती जहाँ पे तुम्हें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आज़ादी हो। कपड़ों से आज़ादी का क्या वास्ता कि कपड़े मैंने खुद की चॉइस से डाले। अब तो तुम यही कहोगी ताकि हमारे सामने तुम्हारे ससुराल वालों की नाक ना कट जाए। मैं भी शादी कर रही हूँ पर मैं तुम्हारी तरह ये इंडियन कपड़े तो नहीं पहनने वाली। मैंने तो अपने इन-लॉज को पहले बोला हुआ है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी, मुझसे नहीं पहने जाती ये घाघरा चोली। और सबसे बड़ी बात, मेरे इन-लॉज को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख इसे बोलते हैं मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की। और एक बात बता, कल को जब तू इंटरव्यू देने जाएगी तब यही घाघरा चोली पहन के जाएगी क्या? अरे इंटरव्यू में तो ये तब जाएगी ना जब इसके इन-लॉज इसको अलाउ करेंगे। अरे ऐसे बैकवर्ड सोच वाले लोग ना कभी भी अपनी बहुओं को घर से पैर नहीं बाहर रखने देते। पता नहीं इसके ससुराल वाले ने इसको कॉलेज कैसे भेज दिया है। अब इमेजिन कर, इसकी सास भी इसकी तरह घाघरा चोली पहन के घर में घूमती होगी। लो आगे इसकी अनपढ़ सास की। लगता है सासू माँ एग्जाम के बाद अपनी बिंदनी को आशीर्वाद देने आई है। माँ जी एक मिनट आना, आपको किसी से मिलवाना है। ये है मेरी सासू माँ। हेलो बेटा। तुम दोनों को जो भी सवाल करने थे ना इनसे करो। पूनम इज एवरीथिंग ओके? ओह इम्प्रेसिव, तो तुमने अपनी अनपढ़ सासू माँ जी को इतनी इंग्लिश सिखाई है कि वो किसी को इम्प्रेस कर सके बेसिक बातें बोल के। खाना बनाने वाली अनपढ़ अब इंग्लिश भी सीख रही है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? डू यू थिंक आई एम एन इलिटरेट? बाय द वे आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज। रहने दीजिए माँ जी, इन्हें इतनी इंग्लिश समझ नहीं आएगी। बाय द वे ये इसी कॉलेज के टॉपर रह चुकी है, और अगर यकीन ना हो तो टॉपर्स बोर्ड जाके चेक कर, आज भी इनका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अरे कहाँ के मॉडल लोग हो तुम जो आज भी लोगों को कपड़ों से जज करते हो? घाघरा चोली या साड़ी सूट पहनने से कोई ओल्ड फैशन या मॉडर्न नहीं होता। ये कपड़े मैंने मजबूरी या किसी के दबाव में नहीं पहने बल्कि अपनी खुद की चॉइस से पहने। इंसान सोच से मॉडर्न होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। और रही बात सोच की, तो ये तुम दोनों से ज्यादा मॉडर्न है। और ये कहाँ लिखा है कि छोटे कपड़े पहनने वालों की ही सोच मॉडर्न होती है? पूनम हम तो मजाक कर रहे थे यार। किसी की संस्कृति का मजाक बनाने का हक तुम दोनों को किसने दिया? क्या तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ साड़ी सूट की जगह जीन्स और स्कर्ट में घूमती है? जवाब दो। सॉरी आंटी, हमने कुछ ज्यादा बोल दिया। तुम लोग देश का यूथ हो, तुम्हारे पास ताकत है लोगों की सोच बदलने की। कल्चर का मजाक बनाने की जगह उसे समझकर अगर तुम लोग प्रमोट करोगे तो हमारी ही देश का नाम ऊंचा होगा। हमें हमारे कल्चर से, हमारे पहनावे से प्यार करना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि वेस्टर्न कपड़े डालना बुरा है, लेकिन जिस भी पहनावे में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हो आपको वही पहनना चाहिए। आइंदा किसी के कल्चर का मजाक बनाने से पहले ना एक बार सोचना जरूर। चलिए माँ जी, धन्यवाद।